नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज हम अंग्रेजी विषय का पेपर हल करने वाले हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए विद्यार्थियों, जिससे आपका 90+ है वो सिलेबस, आपका 90+ स्कोर हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरा अनुभव है, पर हर बार हर साल मैं क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर अपलोड करता हूँ, सोल्यूशन करवाता हूँ, जो कि बहुत अनुभवी टीचरों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो कि मैं इस चैनल पर सोल्यूशन करवाता हूँ, तो उन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाता है विद्यार्थियों। अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं बाकी विद्यार्थियों से, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखना, याद करने, सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो सभी के आंसर भी बता दूंगा मैं आपको, सभी के उत्तर भी बताऊंगा, एक ही बार मैं आपको याद करवा दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ओके, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये आपका जो मैं कह रहा हूँ विद्यार्थियों, इससे क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर रहेगा, 90+ जो सिलेबस है वो इन्हीं पेपर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए। ये आपका पेपर होगा, इस तरीके से आपका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेना। उसके बाद पढ़ने के बाद आप सबसे पहला जो आपका जो पेपर आएगा उसमें सेक्शन ए में आएगा, सेक्शन ए में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, नहीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और वस्तुनिष्ठ में कौन कौन से आएंगे सभी के प्रश्न के आंसर में बताऊँगा, पूरा का पूरा मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि राइट द मिसिंग लेटर, तो इसमें जो खाली जगह में जो मिसिंग लेटर हैं वो लिखना है, कौन कौन से हैं। जैसे देखिए ये इसमें क्या आ जाएगा, इसमें CUP आएगा, क्या आएगा कप, इसमें पेरेंट्स तो पे पी, तो इसमें आ जाएगा PARENTS पेरेंट्स आ जाएगा। तो ये आपका दे रखा स्कूल, तो इसमें OO मिसिंग है, और इसमें ये डेजर्ट तो इसमें E और E दो जगह ई आएगा, हैं समझ गए ना, ई आएगा दो जगह। तो फर्स्ट में कप CUP, दूसरे में PARENTS पेरेंट्स, तीसरे में स्कूल में OO मिसिंग है, और तीसरे में डेजर्ट में आपका EE आपका मिसिंग है। ये आपको लिखना है, लिख दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि क्या है कि बाद में भी आपको याद करने में मौका मिले। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड हैव अ डिफरेंट साउंड, इनमें से कौन सा शब्द जो अलग आवाज़ देता हो, डिफरेंट साउंड देता हो बाकी जो वर्ड पढ़ने में उसका, तीनों के बाद जो तीनों जो छोटा है जो जो है आपका ऑप्शन है वो अलग होगा बाकी जो उच्चारण के तौर पर। जैसे इसको पढ़ेंगे सम, कम और नन, और इसे नोज पढ़ेंगे, क्या आएंगे तो ऑप्शन सही 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 हो जाएगा। इसकी जो उच्चारण जो आवाज़ है वॉइस है डिफरेंट साउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी तीनों से, तो इसका नोज हो जाएगा, ओ की मात्रा लग रही है तो ऑप्शन सही इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन दे रखा विच ऑफ द अंडरलाइन, ये भी सेम है, इसमें कौन सा हो जाएगा कप टब रब और पुट, तो ये पट नहीं है पुट है, ठीक है पुट है, तो पी और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ दे रखा ही इज ब्लाइंड बॉय, तो आर्टिकल कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ही इज ए आ जाएगा, ही इज ए, तो ऑप्शन सही 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 हो जाएगा। इसमें भी द किंग वाज वेरी काइंड, तो द किंग द आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द आ जाएगा। और इसमें दे रखा रामू टू द फॉर्म एवरी मॉर्निंग, एवरी हमेशा की बात करें तो गोज आएगा, GOES, तो गोज सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे मैंने बता दिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, याद कर लेना, इसमें तो बहुत आसान है, ये तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दे रखा है खाली जगह भरनी है कि विच फिल इन द ब्लैंक्स विथ हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्लैंक, खाली जगह भरनी, जैसे दे रखा वी शुड ओबे, तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका ओबे, यानी आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़ों का हमें क्या है कि बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। उसमें डू नॉट ओवरटेक एनी व्हीकल फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड, हमें लेफ्ट साइड से कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, राइट साइड से कर सकते हैं लेकिन लेफ्ट साइड से यानी हमें कभी ओवर साइड जो क्या करना ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तीसरा हमें कि योर बुक्स, तो क्लोज योर बुक्स, क्लोज आ जाएगा यहाँ, क्लोज योर बुक आ जाएगी, हो गया ये आपका खाली जगह। देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता दूंगा जिससे आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, जिससे कह रहा हूँ विद्यार्थी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और 90+ सिलेबस आपका इसी से कवर हो जाएगा, और बेहतरीन बेहतरीन परिणाम आप प्राप्त करोगे बाकी विद्यार्थियों से। बस रिक्वेस्ट है चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो। अब देखिए और रीअरेंज द फॉलोइंग से अरेंज करना है, जो आपको रीअरेंज करना है कि ये दे रखा है तो पहला में दे रखा है, इसमें जो दे रखा है ना फर्स्ट में, तो इसमें आ जाएगा आई लाइक ट्रेवलिंग बाई बस, आई लाइक, ठीक है तो ट्रेवलिंग यहाँ आ जाएगा ट्रेवलिंग बाई बस, ठीक है इस तरीके से आई लाइक ट्रेवलिंग बाई बस, इसी तरीके से आपको इसका रीअरेंज करना है, हो गया ये स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और उसके बाद ये दूसरा भी आप देख लीजिएगा, दूसरे में आपका क्या आएगा, दूसरे में आएगा और इसको कैसे करोगे SVO, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है
ये आपको इंग्लिश का जरूर फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ओके, और जो हिंदी में जो फॉर्मूला होता है SOV होता है, SOV होता है। जबकि आपको इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे दे रखा है सब्जेक्ट, इसमें दे रखा है ना तीसरे में आई आई लॉस्ट माई बुक, आई लॉस्ट माई बुक, ये हो जाएगा इसका सेंटेंस, ये हो जाएगा आई लॉस्ट माई बुक। उसके बाद ये देखिए, ये भी देख लीजिएगा, ये दे रखा है ना, इसमें दे रखा है आई आई कु आई लाइक आई लाइक, ठीक है, आई लाइक कुकड, आई लाइक फूड, सॉरी आई लाइक फूड कुकड कुकड बाई माई मदर, माई मदर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इसकी तरह आपको पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका रीअरेंज वाला सेंटेंस। सेक्शन बी, सेक्शन बी देखिएगा, इसके में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एनी टू, यानी एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट एनी टू, यानी आपके टेक्स्ट में से पूछा जाएगा, यानी मतलब कि आपकी किताब में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या करना है आपको, इन चारों को, चार जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना आपको, इनमें से दो करने हैं, लेकिन आपको चार को चार तैयार करके जाने हैं एग्जाम में। अपनी किताब से अपनी पासबुक से देख लीजिएगा, इन चारों क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब वापस पासबुक से तैयार करना है आपको। क्या करना है, इन चारों क्वेश्चनों को पासबुक से ज़रूर तैयार करना है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, देख बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद आपका 500% हो गया कि राइट द ऑपोजिट फॉलोइंग, ऑपोजिट वर्ड लिखना है, जैसे आउटसाइड का हो जाएगा इनसाइड, क्या हो जाएगा इनसाइड हो जाएगा, स्लो का हो जाएगा फास्ट, फास्ट हो जाएगा, कोल्ड का हो जाएगा ओल्ड, ओल्ड का हो जाएगा न्यू नया, और हैप्पी का हो जाएगा आपका अनहैप्पी, ठीक है अनहैप्पी हो जाएगा, समझ गए ना। आउटकास्ट हो जाएगा आउट का, आउटसाइड का इनसाइड, स्लो का फास्ट, ओल्ड का न्यू, और हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा राइट द जेंडर ऑफ फॉलोइंग वर्ड, आपको जेंडर लिखना है, जैसे कि जो जेंडर पूछा है ना, जेंडर ऑपोजिट, जेंडर ऑपोजिट लिखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में बॉय, तो बॉय का हो जाएगा गर्ल, क्या GIRL गर्ल, ऑक्स का हो जाएगा काऊ, गोड का हो जाएगा गोडे GODDES गोडेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा गोडेस EES, और हिज का हो जाएगा हर, हिज का हो जाएगा हर, गोडे का गोडेस, जी इसका बॉय का गर्ल, और ऑक्स का काऊ हो जाएगा। ये जेंडर ऑपोजिट है, क्या है जेंडर ऑपोजिट हो गया इसके। उसके बाद एक राइट है अप्रोप्रिएट वन वर्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वर्ड, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड दे रखा है ना इसके लिए एक शब्द लिखना, उसी शब्द का प्रयोग करना, उसी शब्द का, इसके लिए एक शब्द क्या पूछा जाएगा, इसमें एक शब्द पूछा जाएगा, जैसे ए पर्सन हु टीच स्टूडेंट, वो व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे टीचर, क्या कहेंगे, बिल्कुल आसान है, टीचर कहेंगे ना TEACHER, इसके लिए एक शब्द। उसके बाद ये प्रश्न दे रखा हाउस ऑफ बर्ड, यानी पक्षियों का घर को क्या कहेंगे, नेक्स्ट, क्या कहेंगे नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, NEST नेस्ट मीन्स घोंसला। ओके, ये हो गया आपका सेक्शन बी, पूरा का पूरा मैंने सॉल्यूशन करवा दिया, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए विद्यार्थी, अगर इसकी PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद सेक्शन सी में आपको पूछा जाएगा, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे आप किताब से, बुक से में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 3 जो ये 5% दे रखा है उनमें से आपको 3 ही करने हो, एग्जाम में 3 ही करने, लेकिन आपको अभी तैयार ये 5 को 5 ही तैयार करके जाना है, ताकि क्या है कुछ कोई प्रश्न नहीं पूछा गया और दूसरा पूछा गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको 5 तैयार करना है, 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा अपनी किताब से, सॉरी अपनी पासबुक से देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वापस अपनी पासबुक से तैयार करनी है 5 क्वेश्चन। ओके, तो देख लीजिएगा, ये हो गया आपका सेक्शन सी। उसके बाद सेक्शन डी, सेक्शन डी में आपको पैसेज पूछा जाएगा, पैसेज को पढ़ना है 2 से 3 बार, पैसेज को कैसे पढ़ना, पैसेज को पढ़ेंगे 2 से 3 बार पढ़ना पैसेज को, ठीक है, पैसेज को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्या करना है प्रश्नों के उत्तर देना है। और जैसे कि दे रखा है पैसेज को पढ़ लिया, मान लो आपने 2 से 3 बार पैसेज को पढ़ लिया, उसके बाद जो प्रश्न दे रखा है ना, प्रश्न दे रखा है कि व्हाट इज रियल एम ऑफ द स्कूल, ठीक है, जो सच्चा उद्देश्य क्या था स्कूल का, सच्चा उद्देश्य क्या है, सही उद्देश्य क्या है स्कूल का, प्रश्न पूछा है। तो क्या है कि अगर आप गद्यांश पैसेज को कैसे हल करते हैं, आपको अगर हिंदी अनुवाद नहीं आता है तो मैं इसके लिए एक आपको बेस्ट आइडिया देता हूँ। आपको क्या करना है, तो ये जो लास्ट वाला, जो हर क्वेश्चन का जो लास्ट वाला वर्ड है वो पकड़ लेना, जैसे एम ऑफ द स्कूल, एम ऑफ द स्कूल ये वर्ड पकड़ा है हमने, ठीक है, हमारे माइंड में ये वर्ड है, ठीक है,
तो ये वर्ड एक कहाँ पर है गद्य पैसेज के अंदर, कहाँ पर है आपको देख लीजिएगा, ये वर्ड एक पैसेज के अंदर कहाँ है, तो ये देखिए एम ऑफ द स्कूल, ये पैसेज के अंदर ये पड़ा, तो इसकी पूरी लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन इसका आंसर होगी, उत्तर होगी। समझ गए ना मेरी बात को, समझ रहे हो? ये इसकी इर्द गिर्द जो आगे पीछे की जो पूरी लाइन है ना, जहाँ तक कॉमा फुल स्टॉप लगता है वहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, द रियल एम ऑफ द स्कूल इज नॉट सो मच टू रीच थॉट एज टू टीच अ थॉटफुलनेस एंड काइंडनेस टू अदर्स। तो ये पूरा का पूरा आंसर है ना ये वाला, तो ये इस फर्स्ट का हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसी तरीके से आपको गलत पैसेज कॉल करना अगर आपको हिंदी अनुवाद नहीं आता है, तो ये भी एक आइडिया है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ नॉट नीडेड एनी मोर, ठीक है, तो ये पिछले वाला वर्ड पकड़ो, नॉट नीडेड एनी मोर। तो यहाँ देखो नो नीडेड ये हो गया, ठीक है, नो मोर नीडेड ये वाला पर, तो ये पूरा का पूरा आंसर है ना। देखिए नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प दैट लर्न हाउ टू डू थिंग्स सिंपल स्पेलिंग, ठीक है, एडिंग सब स्टैकिंग मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, ये पूरा आंसर है, ये आपका इसका हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का। बस यही तो आइडिया है ना, अगर आपको कुछ नहीं आता अंग्रेजी में, बहुत वीक हो, तो ये एक बहुत बेहतरीन आइडिया। उसके बाद हाउ इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्क डन, तो ये इसका जो रेस्ट ऑफ द वर्क डन, ये वर्ड पकड़ा है हमने, ठीक है, ये वर्ड पकड़ा, ये गद्यांश के अंदर कहाँ पर है, तो ये देखो द रेस्ट इज डन क्या हो जाएगा, देखो रेस्ट डन ये वर्ड आया ना, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का, क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा। समझो तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्या किया है कि बाद में आपको आसानी होगी याद करने में। उसके बाद राइट प्लूरल वर्ड ऑफ लेसन, अब इसके बहुवचन लिखने हैं, लेसन का क्या हो जाएगा, लेसन का भी सेम पीछे क्या लगेंगे, ओ एन एस लगेगा, और टाक टाक का भी आपका पीछे क्या एस लग जाएगा, टी ए एल के एस, तो एल ई डबल एस ओ एन एस, तो ये लेसन का लेसन्स और टाक का टाक्स हो गया। ये आपका सेक्शन डी में पैसेज हो गया, पैसेज को ऐसे अलग करना। उसके बाद आपका अरेंज अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलोइंग लाइन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट, यानी समय के अनुसार इस जो सेंटेंस दे रखा है ना, लाइनें दे रखी हैं, इसको सीक्वेंस बाय लिखना है, ठीक है, सीक्वेंस बाय लिखना, पहले क्या घटना घटी थी, उसके बाद क्या घटना घटी थी। ये तो जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम सुबह उठते हैं, तो देख लीजिए आई वॉक अप ईयरली, यानी मैं सुबह जल्दी उठा, तो फर्स्ट पर ये आ जाएगा, पहले नंबर पर ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि मैं सुबह उठा, और फिर सुबह उठने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कसरत वगैरह करते हैं, तो देख आई टेक एक्सरसाइज, इसने पूछा कि मैंने एक्सरसाइज की, तो ये दूसरे नंबर ये आ जाएगा। तीसरे नंबर क्या करते हैं हम, एक्सरसाइज के बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद पूछा है क्या क्या इसने, आई गो टू बेड, बेड तो मतलब वो सोने तो जाएगा नहीं उठते ही, ठीक है, तो ये तीसरा नहीं हो जाएगा। इस होते पड़ेगी इन द इवनिंग आई सिट विथ फैमिली, यानी शाम के समय में परिवार के साथ बैठता, तो बिल्कुल सही है, ये तीसरा हो जाएगा, और ये जो ये वाला जो है ये लास्ट में चार नंबर हो जाएगा। तो यही आपको सीक्वेंस भाई लिखना था, घटना के अनुसार, घटना कैसे घटती है उसी के अनुसार आपको लिखना, जो कि मैंने आपको बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सभी के सभी। चैनल पर नहीं तो अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर है वो आपके लिए रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, इग्नोर करोगे नुकसान आपका होगा। अब देखिए ये प्रश्न पूछा है सेक्शन ई में आपको, पूछा है कि यू आर राजू या रानी, यू आर इन्वायरमेंटल लवर, आप पर्यावरण प्रेमी है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फ्रेंड टेलिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ पर्यावरण इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण प्रेमी हो आप, ठीक है, और आपका नाम है राजू या रानी, तो आपको एक फ्रेंड को एक क्या लिखना है, लेटर लिखना है, और उसके बारे में पर्यावरण का महत्व के बारे में बताना है अपने फ्रेंड को, दोस्त को, कि पर्यावरण का क्या महत्व है, तो उसके बारे में लेटर लिखना है। अगर आप नहीं लिख सकते हो ये अथवा में दे रखा है, दोनों में से कोई एक करना है, तो यह पूछा जाएगा यू आर रवि, यू हैव ए अर्जेंट वर्क एट होम, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट फॉर यू टू डेज लीव, यानी आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रधानाचार्य को कि आपके आपके घर में काम है बहुत अर्जेंट, तो आपको एक प्रार्थना पत्र तैयार करना है अपने प्रधानाचार्य के लिए कि दो दिन की छुट्टी के लिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 100% कह रहा हूँ, ये पूछा जाएगा, और ये दोनों तैयार करना है आपको, तैयार दोनों करना है, ठीक है, ये दोनों ये भी करना है, ये क्या है कि एक पूछा गया दूसरा नहीं पूछा गया, तो फिर आपको याद नहीं करके तो दिक्कत होगी, तो इसलिए दो तैयार करना है। और उसके बाद राइट एन लाइन ऑन 10 लाइन ऑन कैमल, यानी 10 लाइन आपको ऊँट पर लिखनी है, अंग्रेजी में आपको 10 वाक्य लिखने हैं कैमल पर, किस पर, कैमल ऊँट पर आपको 10 लाइनें लिखनी है अंग्रेजी में, आपको सेंटेंस लिखने हैं 10 सेंटेंस, या फिर आप वो नहीं लगते तो ये कहानी पूरी कर सकते हो ग्रेडी डॉग वाली, तो ग्रेडी डॉग वाली या तो आप कहानी लिखो, या फिर आपको कैमल पर आपको निबंध लिखना है 10 लाइन में, ठीक है, आपको दोनों में से कोई आप लिख सकते हो, तो दोनों तैयार करके जाना है आपको एग्जाम में, और एक पूछा जाएगा दोनों में से, बिल्कुल पूछा जाएगा, तो ये आपका ग्रेडी डॉग हो गया, ये कैमल।
ठीक है, ये आपका अंग्रेजी विषय का पेपर हो गया। तो जो कि मैंने पूरा का पूरा बता दिया, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। देखिए विद्यार्थी, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद करता हूँ आपका 90+ सिलेबस है, इन्हीं से कवर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपसे आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल।